हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससी बीडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेके आ गया हूँ आपके सामने मैं टॉप 10 करंट अफेयर दिल्ली का। तो आज हम 3 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि 2 जुलाई को क्या क्या घटनाएं हुई हैं और 3 जुलाई की आज की जो घटनाएँ हैं वो कल हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 2020 के महत्वपूर्ण समाचार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करेंगे, जो राष्ट्रीय करंट अफेयर है। इम्पोर्टेंट तो लिखा हुआ है कि तमिलनाडु के कुंडालोर ज़िले में एनएलसी जो नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है, इसके थर्मल पावर स्टेशन पर बॉयलर विस्फोट में 6 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। यानी दोस्तों, तमिलनाडु में जो एनएलसी जो है जो लिग्नाइट है कॉरपोरेशन, उसके थर्मल पावर स्टेशन में ब्लास्ट की वजह से क्या हो गया, कुछ 6 श्रमिक जो हैं वो उनकी मौत हो चुकी है। अब हम बात करेंगे दूसरी न्यूज़। आज की ये फर्स्ट न्यूज़ है और उसके बाद दूसरी न्यूज़ ये है हमारी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए कैशलेस उपचार के साथ में 2.5 लाख रुपए की बीमा योजना तैयार की है। तो दोस्तों, ये आपको एक चीज़ अच्छी सी याद रखनी है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए जो है कैशलेस उपचार के साथ साथ 2.5 लाख रुपए की बीमा योजना भी स्टार्ट कर दी है। यानी कोई व्यक्ति राजमार्ग पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने क्या किया कि सड़क दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति है जो उसके को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए उपचार के साथ साथ हमें उसको 2.5 लाख रुपए का बीमा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद तीसरा जो हमारा निकल के आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना ने टिड्डी के हमले से निपटने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर पर एक एयरबोर्न टिड्डी नियंत्रण प्रणाली डिज़ाइन की है। यानी कि जो ड्रोन से क्या किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा टिड्डी के लिए और कीटनाशक के रूप में, जिससे क्या होगी टिड्डियाँ हैं वो ख़त्म हो पाएगी। तो उसका नाम है MI-1, ये जो नाम है ना MI-17 हेलीकॉप्टर, ये उसका नाम है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है और अध्यक्षता रणवीर सिंह हैं कुलपति, और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बीकानेर दिल्ली से हैं ये रणवीर सिंह, और इसके द्वारा किया जाएगा उनकी अध्यक्षता। ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है और इसके अध्यक्ष कौन है, रणवीर सिंह जो अध्यक्ष हैं इसके। नेक्स्ट बात करेंगे तो COVID-19 जो प्लाज्मा उपचार की जरूरत वाले रोगियों के लिए COPL-19, ये लिखा हो ना COPL-19 ऐप लॉन्च करने के लिए AIIMS ने IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो अभी इस नाम से जो है COPL-19 जो है ऐप जो है लॉन्च किया जाएगा, वो किस किस के साथ में, तो AIIMS और IIT दिल्ली, इनके द्वारा किया जाएगा। तो उसके बाद बात करेंगे, पीएम मोदी ने चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो को छोड़ा और वेबसाइट पर अपने सभी पोस्ट डिलीट कर दिए। नरेंद्र मोदी ने बोला है, लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग जो था साइट थी उनमें वीबो जो साइट थी माइक्रो ब्लॉगिंग, उसको छोड़ दिया और वेबसाइट पर अपने सभी पोस्ट को डिलीट कर दिया है। उसके बाद न्यूज़ निकल के आ रही है हमारे पास कि भारत की कृतिका पांडे ने जीता द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। उसके बाद बात करेंगे राजनीतिक इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात करेंगे विदेशों से लौटने वाले केरल वासियों की पुनर्वास के लिए ड्रीम केरल प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की करंट अफेयर के लिए। उसके बाद बात करेंगे 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और यह जो चिकित्सक दिवस है वो COVID-19 की मृत्यु दर कम करे, ठीक है। और 1 जुलाई को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया गया, और यह 1 जुलाई 1949 को भारतीय
संधि लेखाकार संस्थान ICAI की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें गृह मंत्रालय ने 30 जून से 6 महीने के लिए नागालैंड में सशस्त्र बलों के विशेष शक्ति अधिनियम का विस्तार की। कल अपनों ने ये घोषण किया था कि 30 जून से क्या है 6 महीने के लिए नागालैंड में जो है सशस्त्र जो उसको असुरक्षित जो है घोषित कर दिया था। तो इसका जो अधिनियम था वो था AFSPA जो इसमें 1958 इसका विस्तार किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो इसमें जो सैनिक बल है वो लगाए गए हैं। उसके बाद बात करेंगे आर्थिक करंट अफेयर्स की। इसमें सरकार ने जुलाई सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजना या डाकघर की योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। उसके बाद मार्च 2020 में समाप्त हुई तिमाही के लिए भारत का बाहरी ऋण हुआ $15.4 बिलियन यानी कि 2.8% बढ़कर के $558.5 बिलियन हो गया है। तो ये भारत का बाहरी ऋण जो है वो इतना हो चुका है, गवर्नमेंट बाहर से ये ऋण ले चुकी है। उसके बाद बात करेंगे 2019-2020 में भारत का चालू खाता घाटा जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% था, 2018-19 में जो है 2.1% था। ये 19-20 का जो आया है वो 0.9% है। उसके बाद बात करें पिछली तिमाही की तुलना में मार्च 2020 के अंत में सरकार की कुल देनदारियां 0.8% बढ़कर के 94.62 लाख करोड़ हो गई है। उसके बाद बात करें विश्व बैंक ने भारत में MSME के लिए अपने MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के तहत $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो भारत को जो है MSME जो है उनके लिए कितने ऋण की अनुमति दी है, तो वो 750 यानी $750 मिलियन के लिए। उसके बाद बात करेंगे हम इंडियन ऑयल ने बांग्लादेश में LPG आयात करने के लिए टर्मिनल स्थापित करने के लिए बांग्लादेश की बैक्सिमो LPG के साथ में संयुक्त उद्यम का निर्माण किया और श्रीकांत माधव वैद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार को संभाला है। तो नए इंडियन ऑयल के नए जो अध्यक्ष कौन है, तो वह श्रीकांत माधव, ये आपको याद रखना है। और एक बात याद ये रखनी है कि इंडियन ऑयल ने क्या किया, बांग्लादेश में LPG आयात करने के लिए टर्मिनल स्थापित किया है। उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के लिए मानवीय सहायता के लिए $7.7 बिलियन जुटाए हैं और जर्मनी ने सर्वाधिक $1.78 बिलियन का उच्चतम योगदान दिया है। किस में दिया है, तो संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के लिए मानवीय सहायता के लिए, यानी सीरिया जो देश है इसकी मानवीय सहायता के लिए इतने पैसे दिए हैं। तो ये आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर था 3 जुलाई का। तो दोस्तों हम इसी तरह से ही क्लासेस लेने वाले हैं, करंट अफेयर की डेली की क्लास हमारी होने वाली है 9 से 10 बजे के बीच में। तो हमारे साथ जुड़ी रहिए और डेली की डेली हम करंट अफेयर की बात करते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।